इस वीडियो में हम बात करेंगे एमआई वर्सेस पीबीकेएस ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में, यानी मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच में जो आईपीएल 2022 का मैच नंबर 23 आज आपको खेला जाता दिखेगा। उससे पहले कल के कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं जिसमें काफी ज्यादा मजा आया, स्पेशली यहाँ पे आफ्टर स्टार्ट जो हमारा रिजल्ट गया वो बहुत ही काम का था। बिना उथप्पा के यहाँ पे जडेजा कैप्टन और यहाँ पे थिक्षिणा को लेना काफी काम आया और मैं यहाँ पे मैच जीता और उम्मीद करूंगा आप भी जीते। भले ही आपने टीम कॉपी करी हो ना करी हो, मैं चाहता भी नहीं आप करो, लेकिन थिक्षिणा का काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था क्यों लेना है और जडेजा की भी बात करी गई थी और वही मैंने किया भी था। 10-10 लोगों में भी एक रैंक आई है तो उम्मीद करता हूं आपने काफी अच्छा किया होगा। भाई दूसरों की तरह मैं कोई फेक गारंटी नहीं देता, जैकपॉट जैकपॉट मुझे बोलना नहीं आता, मैं सच्चाई से चलता हूं, अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, लेकिन हो सकता है हम हार जाएं क्योंकि हम भी इंसान हैं, ये सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर मिलना चाहिए। अभी दोस्तों जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं 2,22,000 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, यदि आप उनमें नहीं आते हो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन है नीचे साइड पर आपको लिंक मिल जाएगा और टॉप के कमेंट में सबसे ऊपर के कमेंट में भी मैंने आपको लिंक दे रखा है हमारे ही टेलीग्राम का, तो जरूर जुड़ जाए और मजे से जीते हमारे साथ। साथ में जिसने अभी YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, क्योंकि बहुत मजेदार वीडियोस आज आपको मिलने को देखने को मिल जाएंगी। स्पेशली आज बहुत इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग वीडियो आएगा इस मैच का, उसमें कुछ दिल की बात भी होगी और मजेदार बात होगी, कोशिश करूंगा कि खुद उसमें मिलने आऊं आपसे। तो जो वीडियो देख रहा है आज ग्रैंड लीग वीडियो का मिस मत करना, 12 से 1 बजे के बीच पूरी कोशिश है वो वीडियो भी आपको मिल जाए। इस मैच का वेन्यू की बात करें एमसीएस स्टेडियम पुणे में मैच होगा। पुणे की सबसे पहले बात हमेशा आपको ये याद आनी चाहिए, इस ग्राउंड पे लीस्ट अमाउंट ऑफ ड्यू है, खुला मैदान है, हवा होती भी है तो वो जो ड्यू है वो चले जाती है, ये फैक्टर यहाँ पे चेजिंग और पहले बल्लेबाजी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं करता। सो नॉर्मली जहाँ चेजिंग को बेहतर हमेशा एडवांटेज दे रहा है मुंबई के ग्राउंड में, पुणे में वो नहीं है, अच्छा सरफेस है, बल्लेबाजी होती है, रिजल्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या रहे हैं। 4 मैचेस में आप देखो राजस्थान पहले बल्लेबाजी करके जीती, गुजरात पहले बल्लेबाजी करके जीती, कोलकाता चेज और बेंगलोर ने यहां चेज, तो ऐसा नहीं है कि यहां पे चेजिंग टीम ही जीतती है, 50-50 अभी तक यहां पे रहा है मैचेस, 13 में से 10 विकेट फास्ट को पहले मैच में जो यहां पे हुआ था, देन 15 में से 12, देन 9 में से 6, देन 9 में से 4, ठीक है स्पिन थोड़ा सा गेम में आया है मैं ये खुद कहता हूं, लेकिन 46 में से 32 अगर फास्ट को विकेट है क्लियर एडवांटेज टू फास्ट बोलर्स, लेकिन पुणे की विकेट हमेशा हिस्टोरिकली ज्यादा टूटती है, जल्दी ही आपको स्पिन पैराडाइज में कन्वर्ट होते दिख जाएगा। मैं उन दिनों का वेट कर रहा हूं जब मैं आपको बताऊंगा आ गया है वक्त स्पिन को अनलीश करने का और हम करेंगे और जीतेंगे भी। तो इस ग्राउंड पे रोहित शर्मा ने अच्छा किया है, 7 मैच में 213 रन, 42 की एवरेज से 2 अर्धशतक भी हैं, सूर्य कुमार 5 मैच में 247, 3 अर्धशतक भी हैं, ठीक है शिखर 3 मैच 125, मयंक 3 मैच 94 रन, इन दोनों का भी एक एक हाफ सेंचुरी है, पोलार्ड 3 मैच 49, किशन 4 मैच 71, तिलक वर्मा 2 मैच 38, पहले में 38 किए थे दूसरे में 0 जितना मुझे याद है, और डिवॉल्ड ड्रेविस 2 मैच 37 रन। बॉलिंग में देखोगे उनादकट ने 7 मैच में 9 विकेट यहां निकाले, संदीप शर्मा 6 मैच में 8, बुमराह 5 में 3, अश्विन 7 में 4, ठीक है टीमन मिल्स 1 में 2, बेसिल थम्पी 3 में 2, डेनियल सैम्स 1 में 1, डिवॉल्ड ड्रेविस 2 में 1, जो विराट कोहली एक्चुअली नॉट आउट थे लेकिन अंपायर ने कहा कैचा लगा मेरा मजाक और आउट दे दिया था, ठीक है ध्यान रखना। मुंबई और पंजाब की अगर हम बात करें दोस्तों, दोनों टीम्स ने अभी तक 28 मैच खेले हैं, 15 जीती है मुंबई, 13 जीती है पंजाब, कंसिडरिंग कि पंजाब कभी चैंपियन नहीं बनी और मुंबई इतनी ज़्यादा बार चैंपियन बनी है, पंजाब का रिकॉर्ड भी बढ़िया लगा मुझे, ठीक है और लास्ट ईयर भी दोनों टीम्स ने एक एक मैच जीता था, पंजाब की टीम पिछले साल से काफ़ी चेंज हो गई है तो आज भी हो सकता है वो उनको टक्कर दें मुंबई की टीम को, और मुंबई 4 में से 4 मैच वैसी हार के आ रही है, लेकिन दोस्तों इनके बीच में कायरन पोलार्ड खड़े हुए हैं जो कि हमेशा से पंजाब के आगे अच्छा करते हैं, हमेशा से इन्होंने 23 मैच में 529 रन किए, 40 के एवरेज से 3 हाफ सेंचुरीज, ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन पोलार्ड हिट वाला मत मिस करना जो आज वीडियो में आएगा, ठीक है। रोहित शर्मा 21 मैच में यहाँ पे 494 रन इन्होंने किया पंजाब के सामने, 4 अर्धशतक है, सूर्य 8 मैच में 159, 1 अर्धशतक ही है, मयंक 5 मैच में 115, ईशान किशन 6 मैच में 93 रन, तो ये थोड़ा सा पंजाब के आगे नहीं चले, शमी की प्रॉब्लम थी, अब शमी चले गए हैं पंजाब से तो ईशान किशन आज अच्छा कर सकते हैं। विकेट वाइज बुमराह 14 मैच में 19 विकेट, संदीप 9 मैच में 9, पोलार्ड 23 मैच में 7, अर्शदीप 3 मैच में 3, तो ये तब के स्टैट्स हैं जब मुंबई पंजाब आपस में खेलती है। आइए लास्ट ईयर इनके जो 2 मैचेस हुए हैं वो भी देख लेते हैं। पहला मैच मुंबई ने चेस करके यहाँ पे जीत लिया था, इनफैक्ट ये मैच 42 हुआ था इनका, और उससे पहले मैच 17 हुआ था जिसमें यहाँ पे रोहित ने 63 किए, सूर्या ने 33, फिर भी यहाँ पे पंजाब जीत गई थी, लगभग ओपनर प्लस 5 इस कॉम्बिनेशन में हुआ था, ये मैच हमारे लिए ग्रैंड लीग वाला मैच साबित हुआ था, और लास्ट ईयर बहुत ओपनर प्लस 5 हुए, यानी ओपनर्स ने ही या फिर एक विकेट पे ही चेज हो गए हों, लेकिन इस साल ये कम हो रहा है दोस्तों। ये चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पोलार्ड ने 15 रन प्लस 2 विकेट किए थे और बुमराह ने भी 2 विकेट, बाकी के नाम कहाँ हैं पीयूष भाई, देखो यहाँ पे शमी का नाम होता लेकिन अब शमी इस टीम में नहीं है तो मैंने नहीं लिखा, लास्ट ईयर पंजाब से शमी
ने अच्छा परफॉर्म किया था, इवन माकरम ने इस मैच में अच्छे रन किए थे, लेकिन नाम रखने का फायदा नहीं है क्योंकि अब वो इस टीम में नहीं है। ठीक है, मुंबई के प्लेयर रोल्स प्लस फॉर्म देखेंगे क्योंकि आज होंगी मुंबई में चेंजेस। यहाँ पे आपको एक दो प्लेयर्स के रोल दिखाऊंगा जिनको आपने गौर करना है। पहले प्लेयर उसमें आते हैं फैबियन एलन, राइट हैंड बैट्समैन प्लस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, हो सकता है आज के मैच में खेले। पिछले मैच में 5 नबाद प्लस 0 विकेट, उससे पिछले में 1 विकेट, उससे पिछले में 0। प्लेयर बढ़िया है, हिटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं और मुंबई को जरूरत भी पड़ रही है उसकी। प्लस साथ में आपको ये स्पिन भी करते दिख सकते हैं, बढ़िया लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं और मुरुगन अश्विन की लेग स्पिन के साथ एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रह जाएगा इनकी टीम के लिए। दूसरे यहाँ पे जो चेंज हो सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में, यहाँ पे रायली मेरेडिथ है और अब अवेलेबल है, फास्ट बोलर है, बढ़िया। पिछले 5 मैचेस में अगर आप देखोगे इन्होंने भी 7 विकेट निकाले हैं, तो क्रूशल प्लेयर है अगर खेल जाए तो। ये चेंजेस कर सकती है मुंबई की टीम। लास्ट मैच ये केवल 2 ओवरसीज के साथ खेले थे, 2 ही फॉरेन प्लेयर्स के साथ। जैसे आपको कुलदीप सेन का बताया था आज खेलने के चांसेस है, वैसे ही उम्मीद करता हूं कि यहां पे भी आज कुछ जो प्लेयर्स बताए हैं खेले। दोस्तों अगर रोहित शर्मा की बात करूं तो स्टार्ट अच्छा हुआ था, 41, उसके बाद 10, 3 और 26 आए हैं। ईशान किशन 81 और 54, उसके बाद 14 और 26, तो थोड़े सा यहाँ पे वीक पड़े हैं, बट दोनों की ओपनिंग जोड़ी क्रूशल है मुंबई के लिए। देन आते हैं बेबी एबी, जिनको एबी डिविलियर्स का आप कह सकते हो अगला फॉर्म बोला जाता है कि बढ़िया हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं डेवाल्ड ब्रेविस जो है यहाँ पे 29 और 8 रन कर चुके हैं। ठीक है, सूर्य कुमार 52 और 68 2 मैचेस में जब से आए हैं फॉर्म में है। 52 वाले मैच में आपको याद होगा हमारे वीसी भी थे। ठीक है, तिलक वर्मा 22, 61, 38 और 0। ठीक है, यहाँ कायरन पोलार्ड 3, 22, 22, 0, ये कुछ रही है इनकी बल्लेबाजी। बल्लेबाजी में जो है मुझे लगता है तिलक वर्मा एक अच्छे प्लेयर निकल के आए हैं, बट उनका ऑर्डर जो है मुझे 2 डाउन बेस्ट लगा। ब्रेविस के आने से उनका ऑर्डर नीचे जा रहा है जो उनको थोड़ा नुकसान दे रहा है। मुंबई की बॉलिंग बहुत खराब रही है, टिमाल मिल्स लास्ट मैच नहीं खेले लेकिन 3 मैच खेले हैं, उसमें 6 विकेट निकाला है, तो अगर मिल्स खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि विकेट्स के पॉइंट होते हैं और विकेट ले रहे हैं ये। कि मुरुगन अश्विन को 4 ही विकेट मिला है लेकिन उन्होंने 5th, 7th और 11th ओवर लास्ट मैच में डाला था। बुमराह ने 3rd, 6th, 14th और 18, याद है एक मैच में हमने बुमराह को कैप्टन किया था, उसी मैच में बुमराह ने 3 विकेट लिए थे जिसमें हमने बटलर को वीसी किया था, शतक मारा था बटलर ने, लेकिन मैंने बुमराह को उसके बाद सीवीसी नहीं किया और उनको विकेट भी नहीं मिले। आज क्या करना है कि नहीं, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आज बुमराह को क्यों सीवीसी कर सकते हैं। ठीक है, देन थम्पी 12 ओवर 1 मिनट 105 पे 3, 1st, 4th, 12th और 15th ओवर डाला। उनादकर 4 ओवर 30 पे 1, 2nd, 9th, 13th और 17th ओवर डाला था। तो यहां से आपको ये भी पता लग रहा है कौन किस सिचुएशन में ओवर कर रहा है। ये ग्रैंड लीग का आपका एकदम तुरुप का इक्का है, आपको पता रहेगा किस सिचुएशन में कौन सा बल्लेबाज इन प्लेयर्स के सामने आएगा, तो अगर इन बॉलर को कैप्टन कर रहे हो तो वो सिचुएशन के बल्लेबाज को लीव करोगे। ठीक है, अब यहां MI के फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड रखा गया है, किसी भी प्लेयर का नहीं छोड़ा गया। अब यहां पे देखोगे अगर फैबियन एलन का रिकॉर्ड 69 मैचेस में 750 रन, 21 की एवरेज, 42 विकेटें भी हैं, और साथ में रायली मेरेडिथ का भी देखोगे 55 मैच में 23 ही रन है लेकिन 71 विकेट्स हैं, तो ये कुछ क्रूशल स्टार्स हैं मुंबई इंडियंस में जो आज खेलते दिख सकते हैं। बोल्ड LBW परसेंटेज अश्विन और बुमराह का अच्छा है क्योंकि एक बोल्ड के पॉइंट होते हैं 33, एक LBW के 33, एक नॉर्मल विकेट के 25। कल क्यों फायदा हुआ था हमें थीक्षणा का, 33 × 3 विकेटें तो उनकी बोल्ड LBW थी। ठीक है, ये चीज देख के चला करो। लास्ट में मैं यहाँ थीक्षणा और जॉर्डन में सोच रहा था लेकिन मैंने थीक्षणा को उनके बोल्ड LBW परसेंटेज की वजह से ही लिया था, तो ये छोटी चीज़ें होती है लेकिन ये काम आती है। मैं सटीक बताता हूँ ताकि आप बेस्ट से बेस्ट करें। पिछले साल के परफॉर्मर्स देख लो मुंबई के, रोहित सूर्य वही नाम आ रहे हैं लेकिन परफॉर्म इस बार भी करना पड़ेगा, और बॉलिंग से बुमराह, बाकी बॉलिंग इनकी पूरी चेंज हो गई है और आपको दिख भी रहा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। पंजाब किंग्स वेरी इंटरेस्टिंग टीम, इनके जो कोच हैं इनकी स्ट्रेटेजी है जितने छक्के मारो उतना जीतना, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे प्लेयर्स को लिया जो मिनिमम बॉल्स खेलते हैं फॉर मैक्सिमम सिक्सेस। आपको मिलवा भी दूंगा आज उनसे मैं, वुड नाम है उनका, ठीक है, जूलियन रॉसवुड, आज मिलवा भी दूंगा आपको, कैसे मिलवाओगे पीयूष भाई वो ग्रैंड लीग वीडियो में देखना। बाकी यहाँ पे इनकी टीम में भी चेंजेस का स्कोप है, बेनी होवल का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, गुड विकेट टेकर, ऋषि धवन मुझे बहुत पसंद है, जब तक ये मौका नहीं देंगे मैं हर वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जिस दिन ये खेलेंगे कमाल का प्लेयर बनेगा। ये T20 में देखो 45+6 विकेट कौन लेता है, ऋषि धवन लेते हैं, हिमाचल प्रदेश को जिता के आए हैं इस बार विजय हजारे ट्रॉफी। पंजाब किंग्स बढ़िया टीम, 4 में से 2 विन 2 लॉस, टीम की स्ट्रेटेजी काफ़ी सिंपल है, अटैक अटैक अटैक, और उसके अलावा वो कुछ नहीं करते। 15वें ओवर तक 7 विकेटें देके हाथ आप कहते हो कि धो दिए, अब तक हमने रन्स कर दिए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप देखो टीम स्ट्रांग है, पहले 15 ओवर में ही 150 रन कर देते हैं, उसके बाद इनके एंड में हिटिंग नहीं हो रही, इसीलिए डेथ में बॉलर जो होंगे जसप्रीत बुमराह वो अच्छे कैप्टन बन सकते हैं अगर पंजाब की पहले आ जाए बल्लेबाजी। लॉजिक के साथ बात करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे। मयंक अग्रवाल 32, 1, 4, 5, मयंक अग्रवाल कप्तानी में थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो रहे हैं, 1, 4, 5 आए हैं, बढ़िया करना चाहेंगे मुंबई में, बुमराह ने इनको तंग करा हुआ है लेकिन उसके अलावा मैचअप्स अच्छे हैं। शिखर 43, 16, 33 और 35, बेस्ट्रो ने लास्ट मैच में 8 रन किया और विकेट कीपिंग भी करेंगे, ध्यान रखना। लिविंगस्टोन जितेश शर्मा ने आप देख लो कितने अच्छे सिक्सेस लगाए हैं, शाहरुख खान है, ओडियंस में जिन्होंने लास्ट मैच में हरवा दिया कह सकते हो इनको, लेकिन
कह सकते हैं कि बुरा वक्त सब पे आता है, कोई बिखर जाता है कोई निखर जाता है, क्या पता आज निखर के स्मिथ आपको ग्रैंड लीग जिता के दे। हो सकता है कि इनको बाहर करके टीम दूसरे फास्ट बॉलर बेनी होवल को भी ले आए जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे डेथ बॉलर है, तो ये टीम कर सकती है चेंज। तो मैचेस में लियाम लिविंगस्टोन ने हल्ला बोला है, हालांकि अब ये राजस्थान रॉयल्स में नहीं है जिनका थीम है हल्ला बोल, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं 60 और 64 रन के साथ। 64 में एक कैच अर्ली ड्रॉप हुआ था, लेकिन फ़ायदा वही प्लेयर उठाता है जो कि अच्छा होता है और इन्होंने उठाया। पंजाब किंग्स की बॉलिंग देखोगे, राहुल चहर बहुत ही बढ़िया, 16 ओवर 1 मिनट 101 पे साथ, आज खेलेंगे मुंबई इंडियंस के सामने जो इनकी फॉर्मर टीम है। कगिजो रबाडा 10 ओवर 86 पे 4, ये दोनों पे टीम काफ़ी निर्भर है। अगर आप देखोगे 15वां 17वां ओवर जो प्लेयर अगर स्पिनर डाल रहा है वो हमेशा गेम में आएगा, इंपॉर्टेंट है और ट्राई कर सकते हो सीवीसी ग्रैंड लीग में। रबाडा तो की रहेंगे ही, ठीक है, ओडियन स्मिथ के ओवर थोड़े कट सकते हैं, हो सकता है लिविंगस्टोन को ज़्यादा मिले। वैभव अरोड़ा 1st, 3rd, 5th ओवर रेगुलर डाल रहे, अच्छे बॉलर है, और अर्शदीप भी है, लेकिन मेरे को जो बेस्ट इनकी बॉलिंग लगती है वो राहुल चाहर, रबाडा, अर्शदीप, इन तीनों पे निर्भर रहेगी टीम। वैभव और लिविंगस्टोन और ओडियन मिलकर 8 ओवर कंप्लीट करेंगे, तो ये तीन बॉलर अगर आप पंजाब के फेवर में जा रहे हो लेकर चलो ग्रैंड लीग में, बाकी बात करेंगे। ये देख रहे हो फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड है, किसी का भी नहीं छोड़ा गया। जिस प्लेयर ऋषि धवन की बात करो, 30 की एवरेज टी20 में रखते हैं, 101 मैच में 87 विकेटे भी हैं, बढ़िया प्लेयर हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इनके पास जो है बेनी होवल 157 मैच में 22 की एवरेज से 2,163 विकेटे, ये भी बहुत क्वालिटी प्लेयर है। टीम में बदलाव हो सकते हैं, आज नेथन एलिस भी अवेलेबल हो गए हैं, जिसको नहीं पता नेथन एलिस अवेलेबल नहीं थे, तो अगर इनको एक और बॉलर चाहिए ओडियन की जगह नेथन एलिस को भी ला सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के डेब्यू पर ही हैट्रिक लेकर गए थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके हैं और होबार्ट के लिए खेलते हैं, कहां पर, यहां पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो खेलेंगे नहीं, बीबीएल में खेलेंगे ना, जो ऑस्ट्रेलिया का टी20 टूर्नामेंट है, ठीक है। पंजाब किंग्स के लास्ट ईयर के परफॉर्मर्स वैसे तो ये दूसरी टीम्स में थे, शिखर धवन, बेस्ट्रो, लेकिन अब इनके पास आ गया इवन लिविंगस्टोन। परफॉर्मर्स आप देख सकते हो पिछले बार के भी, विकेट्स वाइज रबाडा बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्शदीप लास्ट मैच में सुपर हिट थे, क्या आज ये गेम चेंजर बनेंगे, कुड बी पॉसिबल, क्योंकि मुंबई दे रही है विकटे फ्री में सबको, ठीक है। अभी तक क्या सीएसके की तरह मुंबई की किस्मत भी बदलेगी, उसके लिए पहले मैचअप्स देखते हैं और आगे बात करेंगे, बदल सकती है क्यों नहीं बदलेगी। सो पहले पंजाब के बल्लेबाज हम देखेंगे मुंबई के बॉलर्स के आगे, मयंक अग्रवाल आप देखोगे पुलाट के आगे एक बार विकेट है, जयदेव और बिसिल थम्पी के आगे नॉर्मल, बट बुमराह के आगे 3 बार आउट हुए, खासा तंग रहे हैं, 14 गेंद में अगर 3 बार आप आउट हो रहे हो एक बॉलर पे तो उस पे खतरे की घंटी मंडरा रही है। तो क्या बुमराह को फिर से यूज किया जाएगा मयंक अग्रवाल के आगे, ये देखना होगा। रोहित शर्मा के ऊपर क्या निर्भर है, क्योंकि अगर जयदेव उनादकड़ और बिसिल थम्पी खेल रहे हैं पहले 2-3 ओवर वही करते हैं, ठीक है। शिखर धवन की बात करते हैं, जस्ट क्योंकि वैसे देखा जाए ना तो रोहित को पता है उनको शिखर धवन और मयंक की जोड़ी तोड़नी ही होगी, तो मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर बुमराह का एक आधा ओवर भी स्टार्ट में आ ही जाता है पहला या दूसरा, ठीक है। शिखर देखोगे बुमराह के आगे एक बार विकेट है और उनादकट के आगे एक बार विकेट है, बाकियों को शिखर ने अच्छा खेला है। भानुका का बता दिया, नॉर्मल ही था, कुछ खास नहीं, वैसे भी भानुका खेल नहीं रहे, लास्ट मैच नहीं खेले थे। टीमाल मिल्स ने एक बार अपने ही भाई बंधु जो इंग्लैंड के हैं लियाम लिविंगस्टोन उनको आउट किया है, ठीक है। मुरुगन अश्विन ने एक बार बेस्ट्रो को आउट किया, 24 गेंद में 24 ही रन किए हैं बेस्ट्रो ने इनको, तो ये थोड़ा सा बेस्ट्रो के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी बेस्ट्रो ने बुमराह को भी आप देखोगे नॉर्मली रन किए हैं, बाकियों को अच्छा खेले हैं। अब हम देखेंगे मुंबई के बल्लेबाज, रोहित शर्मा देखो रबाडा के आगे एक बार आउट हुए हैं, अर्शदीप के आगे एक बार आउट हुए, ओडियन को तो भाई पिटाई कर दी है, कब का स्टैट है पता है, वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था इंडिया से 2021 में, वो भी आपके लिए लेके आया हूँ। लियाम के आगे नॉर्मल, बट रबाडा को और अर्शदीप को इन्होंने विकेट दिया, इन पर्टिकुलर अर्शदीप को लेफ्ट आर्म एंगल से प्रॉब्लम हो सकती है रोहित को, और ऐसा पास्ट में हुआ भी है। उतना एक्सप्रेस नहीं है अर्शदीप जितना जैसे हमने शाहीन अफरीदी को देखा था वर्ल्ड कप में, बट हाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ईशान किशन रबाडा को रन्स किए हैं बट विकेट भी दी है, इसके अलावा ज़्यादा कोई प्रॉब्लम मुझे लगा नहीं। अर्शदीप को एक गेंद में एक विकेट है, ये इंटरेस्टिंग है, अगेन अर्शदीप का नाम, अर्शदीप भैया कि आज आपको लें, ग्रैंड लीग में तो जरूर लेंगे, स्मॉल लीग में भी डिफरेंशियल बन सकते हैं अर्शदीप। दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल चाहर का नाम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि राहुल चाहर ने इनको बॉलिंग ही नहीं करी, दोनों ही तो मुंबई इंडियंस में थे ना लास्ट ईयर, बट आपको ये चीज़ समझनी होगी कि एक लेग स्पिनर के आगे ईशान किशन जैसा लेफ्ट हैंडर अच्छा करता है जनरली, बट ये राहुल चाहर इन फॉर्म है और ईशान किशन को तंग कर सकते हैं। मैंने ये पता है क्यों लिखा है, ये गट फील बेस्ड है, ये सेम मैंने वॉशिंगटन सुंदर का लिख के दिया था, डीकॉक के आगे आउट किया था, 0 मैचअप था तब भी, 0 विकेट के बाद भी, ये सेम चीज़ राहुल चाहर के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हालांकि सूर्य कुमार रबाडा के आगे 2 बार आउट हुए हैं, पोलार्ड रबाडा के आगे 2 बार आउट हुए हैं, रबाडा रबाडा हर जगह नाम आता है रबाडा का, क्या रबाडा फिर करेंगे कबाडा, ये देखना पड़ेगा आज मैच के बाद। टिम डेविड ओडियन के आगे एक बार विकेट है और लियाम के आगे भी एक बार विकेट है, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे टीम, आज भी हम इस वीडियो में 10 विनर्स निकालने वाले हैं, उन 10 विनर्स को मिलेगा क्या, सबको 1,000 रुपीज़ मिलेंगे, सबके सबको 1,000 रुपीज़ उनके एक्सवाइज वॉलेट पे मिल जाएंगे। जस्ट मेंशन योर एक्सवाइज फैंटेसी नेम,
इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हो अपना फैंटेसी नेम मेंशन करके, कुछ भी आप ऐसा मेंशन कर दो, FN लिख दो या फैंटेसी नेम पूरा लिखना है पूरा लिख दे। FN लिखोगे तो मेरे लिए थोड़ा आसान रहता है, तो FN लिखोगे तो बेहतर हो जाएगा। ये वीडियो का लिंक डाल दिया है और यहाँ पे फिल्टर डुप्लीकेट यूज़र भी कर लेते हैं ताकि कोई गलत लोग ना जीते। सो यहाँ पे फ़ायदा क्या है, अगर आपने लाइक किया वीडियो पे, अगर आपने कमेंट किया है और अगर आप शेयर भी करते हैं तो आपका जीतने का हाई चांस रहेगा ये, ठीक है। केवल 550 लोगों ने यहाँ पे लाइक और कमेंट किया है। मैंने शेयर फिल्टर लगाया था, शेयर फिल्टर पे केवल 55 लोग थे, ठीक है, तो मैंने उसको हटा दिया आज के लिए, लेकिन आगे से ये नहीं होगा। 555 लोग जो आए हैं, 550 इनफैक्ट, उनमें से देखते हैं कौन विनर है। पहले भाई साहब विनर बने हैं हरीश शर्मा भाई, दीपक भाई के कमेंट ने बहुत खुश किया लेकिन उन्होंने अपना फैंटेसी नेम नहीं डाला। दीपक भाई जरूर एक बार मेंशन कर दो। साहिल यहाँ पे या भाई जिनका नेम खुर्शीद है, अजय जी, नेक्स्ट विनर पवन जी, जिन्होंने भी अपना फैंटेसी नेम मेंशन नहीं किया। आज काफी देर बाद गिव अवे हुआ है तो आगे से ध्यान रखो, मेंशन करो आज में, आप इस कमेंट में मुझे अपना फैंटेसी नेम बता देना। ऐसे ही मोहित भाई डोमिनेट करते रहो, मजा आया ये पढ़ के। नेक्स्ट विनर बने हैं सत्या रॉक, जिनका फैंटेसी नेम है। आपका फैंटेसी नेम बहुत अच्छा है क्योंकि सत्या की जीत होनी चाहिए, सत्या रॉक करना चाहिए, लेकिन फैंटेसी की फील्ड में सत्या रॉक नहीं करता सैडली, क्योंकि यहां सब झूठे लोगों का साथ देते हैं। अभी यहां विनर बने हैं जयरुदानी भाई, पूरे आई थिंक 10 विनर हो गए हैं या नहीं, आई एम लूजिंग द काउंट। अगर नहीं होंगे तो एक ट्विटर से एक्स्ट्रा नेम कर दिया जाएगा, तो आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों जब आप आएंगे अपनी टीम क्रिएट करने, विकेट कीपिंग सेक्शन आपको दिखेगा बहुत सॉलिड, क्योंकि ईशान किशन के साथ साथ आज आपको जॉनी बेस्ट्रो भी मिलेंगे। मैं दोनों को ही अपनी टीम में रखना चाहूंगा, दोनों पावरफुल हिटर्स हैं, ईशान किशन ओपनिंग पे और वन डाउन पे जॉनी बेस्ट्रो, विकेट कीपिंग का भी एडवांटेज है। जितेश शर्मा भी टीम में है, मैं बता चुका हूं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, भारत का T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट, वहां पे जितेश शर्मा क्या थे, हाईएस्ट सिक्स हिटर। जूलियन रोसवुड कौन है, बैटिंग पावर कोच कहां के, पंजाब के, उन्होंने बोला कि यहां पे जितेश इतने सिक्सेस मारेंगे तो मैं ऑक्शन में लूंगा और उन्होंने लिया भी। अब यहाँ पे प्रभसिमरन और यहाँ पे युवाल भी नहीं खेलेंगे अभी, मैंने दोनों ईशान और बेस्ट्रो को टीम में रखा। अगर 8 क्रेड में आपको कोई प्लेयर चाहिए आप जितेश को भी ले सकते हो, दोनों ही मेरे को ईशान और बेस्ट्रो आज कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी अच्छे दिख रहे हैं, दोनों को ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में इकट्ठे भी, ठीक है। बल्लेबाजी वाइज ऑप्शंस अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पे आपको सूर्य कुमार मिलेंगे, शिखर मिलेंगे, रोहित जिनका सिलेक्शन केवल 60% रह गया है, मयंक जिनका सिलेक्शन 40% भी नहीं है, भानुका राजापाक्सा लास्ट मैच में खेले नहीं तो अब वो राजा नहीं रहे, बाकी यहाँ पे खान साहब थोड़ा नीचे आएंगे, शाहरुख खान बढ़िया बहुत है लेकिन ये कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे, मुझे पसंद है, मुझे पता है कि प्लेयर में काबिलियत बहुत है। बाकी लास्ट मैच में यहाँ पे खेल के गए थे, मैंने आपको बताया भी था, रमन सिंह, वैसे तो ये थोड़ी बहुत बोलिंग भी करते हैं बट इनका नाम यहाँ पे मेंशनड है, 18 पॉइंट इन्होंने भी दिए थे। बल्लेबाजी मुझे खास लगी नहीं थी इनकी टू बी ऑनेस्ट, बट कोई भी यंग प्लेयर थोड़ा सा कह सकते हो आप कि थोड़ा सा ना मुश्किल होता है स्टार्ट में जाके इतने बड़े लेवल पे खेलना। टिम डेविड को मुंबई ने बाहर किया हुआ, ये मेरे को हैरान परेशान है, ठीक है 2 मैच में खराब खेले, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, टिम डेविड को मौका दीजिए मुंबई इंडियंस, अगर आपने इतने महंगे में लिया है तो मौका दो। बाकी सिंह साहब यानी कि अनमोलप्रीत सिंह ने कुछ नहीं किया खास, यहाँ पे राहुल बुधी हैं और अथर्व ताइडे जो कि बहुत टैलेंटेड है बट खेल नहीं रहे, तो इनमें से जो मुझे बेस्ट लगा सबके बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। मुझे सूर्य कुमार तो चाहिए ही चाहिए, 2 मैचेस में लिया, 1 में VCB किया, इन्होंने भरोसा पूरा दिया 50 रन करके, साथ में ये लॉन्ग ऑन पे करते हैं फील्डिंग ऑलवेज इन कैचेज, ये एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। जैसे शुभमन गिल का भी बताया था और वो 2 कैच करके भी गए थे उस मैच में। देन शिखर धवन है, शिखर धवन ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, आज एक प्लेयर को 10 क्रेड में छोड़ना है, क्या रोहित को छोड़ पाओगे या शिखर को छोड़ पाओगे या फिर जॉनी बेस्ट्रो को छोड़ के हम भी सिंपल तरीका निकाल लें, लेकिन मैंने जॉनी बेस्ट्रो को लिया, साथ में शिखर को ले रहा हूँ अभी, और तिलक वर्मा को आप ले सकते हो दोस्तों, मेरे को बहुत पसंद है, मैंने पहले दिन से यही बोला है, मैंने अभी तक हर मैच में इनको लिया भी आई थिंक, और लास्ट मैच में ये 0 पे आउट हुए उसके बावजूद हम जीते थे क्योंकि टीम बाकी सॉलिड थी, लेकिन डेवाल्ड ब्रविस के आने से इनका क्रम 3 डाउन कर दिया मुंबई इंडियंस ने जो कि बहुत खराब है, इस वजह से मैं इनको पिक नहीं कर पा रहा हूं। रोहित शर्मा है, आप टीम में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको लेने का फायदा क्या होगा मैं आपको ये बता देता हूं, इन पे प्रेशर है टिककर खेलने का क्योंकि बाकी की टीम स्ट्रांग नहीं कर रही, लास्ट मैच में अच्छे 25 किए, मुझे लग रहा था कैरी कर जाएंगे, अच्छा कर जाएंगे, और आपके ओपोनेंट हो सकता है इनको ड्रॉप भी करके आए, फिलहाल हमने भी किया लेकिन हो सकता है मेरी फाइनल टीम में आपको मिल जाए, ठीक है ध्यान रखना, क्योंकि शिखर में बेस्ट्रो में और धवन में किसको ड्रॉप करना है वो सोचना पड़ेगा। मैंने दोस्तों भी मयंक अग्रवाल को लिया जिन्होंने हर मैच में हमें दिया है धोखा, लेकिन 9 क्रेड में इनसे अच्छा पिक मेरे को कोई नहीं ले पाने से रोका, मैंने मयंक अग्रवाल को ही बैकिंग करी है अभी, थोड़ा सा आप देख सकते हो कि मुंबई का अगर बुमराह को ये सर्वाइव कर जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, लेकिन पीयूष भाई क्या हम मयंक को ड्रॉप करके या तिलक या रोहित ले सकते हैं, 100% ले सकते हो, तिलक को लोगे तो क्रेड भी बच जाएगा, ठीक है, सो ये चीज आप कर सकते हो। भानुका राजापाक्सा है, खेल नहीं रहे, सबका बताया ही हुआ बल्लेबाजी में, ठीक है।
ऑलराउंडर में लियाम लिविंगस्टोन जरूर लेंगे भाई, क्या गजब के खिलाड़ी है, ओवर भी डाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हिटिंग भी कर रहे हैं, टू डाउन पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। मुरुगन अश्विन एक थ्रेट है इनके लिए, उसके अलावा मुझे लगता है ये सबको खेल ही सकते हैं बढ़िया से। बाकी यहाँ पे डेवाल्ड ब्रेविस है, इनको भी मुझे लेकर ही चलना पड़ा है, वन डाउन पे आएंगे डेवाल्ड ब्रेविस प्लस बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि इनको बॉलिंग कितनी मिलेगी वो कन्फर्म नहीं है, हो सकता है उतने ओवर ना मिले, बट इनकी वन डाउन की बल्लेबाजी प्लस मेरे को क्रेडिट की नीड ने इनको लेकर दिया है अपनी टीम में। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चेंज एक बढ़िया कर सकते हो बाद में। देन मैंने पुलाड को आपको पहले बताया आज ग्रैंड लीग पिक बनेंगे, लेकिन मैं स्मॉल लीग में ले नहीं पाया हूँ। पुलाड ओवर भी अगर डाले जैसे लास्ट मैच में उन्होंने डाले थे तो पुलाड गेम चेंजर बन सकते हैं, ग्रैंड लीग में तो इनको ट्राई करना ही है कैप्टन। देन इन्हीं के वेस्ट इंडीज टीममेट ओडियंस स्मिथ लास्ट मैच में पिटाई करवाई, लेकिन जैसे बताया वक्त बदल सकता है, जज्बात बदल सकता है, ओडियंस स्मिथ भी अच्छे बन सकते हैं। डैनियल सैम्स को मुंबई अब खिला नहीं, ऋषि धवन को खिला नहीं रहे जबकि प्लेयर बढ़िया है, संजय यादव क्वालिटी प्लेयर बट खेल नहीं रहे। देन यहाँ पे फैबियन एलन को इस मैच में खिला सकते हैं, 8 क्रेड में बढ़िया स्पिनर प्लस बल्लेबाज। राजबावा थोड़े बस लगे अभी तक नहीं अच्छा खेले, ऋतिक चैटर्जी फ्रॉम बंगाल, देन प्रेरक मनकड़ खेलने के चांसेस कम है, लेकिन अगर होवल आ जाए ओडियन की जगह 8 क्रेड में मेरी 100% टीम में रहेंगे, क्योंकि फिर मैं सीधा सीधा ब्राविस को निकाल के सीधा सीधा ले लूंगा बैनी मिस्टर होवल को, क्योंकि मिस्टर बैनी होवल बहुत बढ़िया स्लोअर वंस डालते हैं, डेथ बोलर स्पेशलिस्ट है, नकल बॉल स्पेशलिस्ट है, हाथ छुपा कर बॉलिंग करते हैं। हाथ कैसे छुपाते हैं पीयूष भाई, जेब में डाल लेते हैं, अरे आगे वाले हाथ से बॉलिंग हैंड छुपा लेते हैं। अगर मैं देखूं बॉलिंग में राहुल चाहर, इनको भी लेना जरूरी है, अपनी फॉर्मर टीम मुंबई के आगे खेल रहे हैं और रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है इनका, अगर आप देखोगे ऐसे कंडीशंस में जहां थोड़ा सा भी स्पिन का हेल्प हो सकता है। अगर आपको याद हो राहुल चाहर पिछले साल मुंबई इंडियंस जब क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, पहले 7 मैच में हीरो थे, वो मैचेस कहां हुए थे, वो हुए थे इंडिया में, उसके बाद इनको प्रॉब्लम आई थी यूएई में, अब मैचेस कहां, फिर भी इनको वर्ल्ड कप के लिए लेगी थी इंडिया मैनेजमेंट की टीम, मुझे समझ नहीं आया था क्यों, बट अगर यही मैचेस इंडिया में है राहुल चाहर की है। रबाड़ा को भी मैंने लिया, रबाड़ा की बॉलिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा विकेट निकालते हैं, ये आप देख ही रहे हो रेगुलरली, और आप देखोगे तो थोड़ा सा स्ट्रोक वीपिंग भी इनके पास कैपेबिलिटी है, कैचिंग भी करते हैं, रबाड़ा के बिना नहीं जा सकते, इनफैक्ट आज ही आपके सीवीसी भी बन सकते हैं। बुमराह को काफी लोगों ने छोड़ा है, लेकिन मैं नहीं छोड़ता बुमराह को, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती बिना बुमराह तुम्हारे, मैं हो जाता हूं गुमराह। क्या आज लेंगे ये 3 विकेट, थोड़ा वेट करो, रुको ना मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर पहले पंजाब की बॉलिंग है तो जरूर ले सकते हैं, इनफैक्ट माफ करना अगर मुंबई की पहले बॉलिंग है, क्योंकि भाई डेथ में इनको ओवर मिलेंगे, और अभी तक अगर देखोगे ना तो 15 ओवर के बाद पंजाब के बॉलर ही आने लग जाते हैं जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, ये चीज का फायदा उठा सकते हैं। बुमराह इनकी यॉर्कर कौन खेल पाएगा मुझे बताओ, ठीक है। देन बेसिल थम्पी है, देखो लेना मैं मुरुगन अश्विन चाहता था, उनको लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, मयंक को छोड़ के आपने किया, यहाँ पे मयंक को छोड़ के आपने किया तिलक वर्मा, सीधा सीधा आपकी टीम में पुलाड ओडियन या फिर इवन अर्शदीप या मुरुगन अश्विन आ पाएंगे, लेकिन अभी हमने ये नहीं किया है, अभी हमने मयंक अग्रवाल को ही लिया हुआ है, और बॉलिंग में बेसिल थम्पी और वैभव अरोड़ा ऑप्शन है, मैंने मुंबई के बेसिल थम्पी को लिया है इस केस में। अगर पंजाब की बॉलिंग हुई तो वैभव अरोड़ा को कर लेंगे, क्या दिक्कत है, वैसे भी वैभव अरोड़ा दोनों साइड स्विंग कर ही सकते हैं। बेसिल थम्पी को पहले मैच में 3 विकेट के बाद ज्यादा मौका ही नहीं दिया मुंबई की टीम ने, क्या चेंजेस करेगी मुंबई की टीम वो देखना रहेगा। ये टीम से पहले आपको बता दूं कि अर्शदीप सिंह भी बहुत अच्छे डिफरेंशियल है, 17% सिलेक्शन, बट ये बंदा आज का गेम चेंजर बन सकता है, मच लाइक महेश थीक्षणा, ठीक है। तो ये भी लेफ्ट आर्मर बढ़िया है, बाकी कोई इनमें से खेलने का ज्यादा चांस रखता नहीं है, मे बी यहाँ पे शौकीन एक स्पिन बॉलर है, मरकंडेल एक स्पिनर है, नेथन अली साथ चांस रखते हैं, अच्छे ये बॉलर है, मैं आपको एक बार फोटो भी दिखा देता हूँ क्योंकि स्मार्ट ही बहुत है भाई, ठीक है। ये नेथन एलिस बढ़िया है, हैट्रिक लिया था अपने ऑस्ट्रेलिया के डेब्यू पे इन्होंने, किसके सामने, हमारे टीम में थे याद है, किसके सामने, बांग्लादेश के सामने। रायली मेरेडिथ भी खेल सकते हैं, बाकी यहाँ पे पोरेल को भी नहीं खिलाएंगे मुझे लगता है, तो ठीक है फिलहाल ये टीम है, लेकिन कुछ भी चेंज होगा आपको बता दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा टेलीग्राम में, क्योंकि हम बाकियों के जैसे नहीं है कि फुल टीम नहीं देंगे, बाद में जो चले उसको कह देंगे ये हमारा कप्तान था, हम फुल टीम देते हैं, बेस्ट करते हैं ऑडियंस के लिए। सो कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी जो पिक्स हैं आज की जो मुझे बेस्ट लगी उसमें लिविंगस्टोन का एक नाम आएगा, बुमराह रबाड़ा का एक नाम आएगा, और बल्लेबाजी से अगर आप चाहो या विकेट कीपिंग से कोई प्लेयर को ले सकते हो, बेस्ट्रो भी एक नाम है। मैंने अपनी कप्तानी इस मैच में किसको दी है, मैंने अपनी कप्तानी दी है लियाम लिविंगस्टोन को, वाइस कप्तानी आज मैंने अपनी दी है बुमराह को, ये थोड़ा सा रिस्की हुआ है लेकिन मैंने बता के किया है क्यों किया है, ठीक है। रबाड़ा को भी आप देख सकते हो अगर पंजाब के फेवर में जाओ, मैंने अपनी कप्तानी लिविंगस्टोन वाइस कैप्टनसी बुमराह को दी है। ग्रैंड लीग वीडियो मिस मत करना क्योंकि होने वाली है वो लाजवाब। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम में आ जाओ, और यूट्यूब पे भी कमेंट किया करो भाई, लाइक नहीं करते हो लाइक किया करो, 70,000 व्यूज़ में अगर 10,000 भी लाइक ना हो तो मम्मी डांटती है, प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर लो, अगली वीडियो में मिलेंगे ग्रैंड लीग वाली।